हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 13 सितंबर। 13 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी होगा, काफी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये करंट अफेयर्स याद रह जाए। एंड अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले रोज की तरह दो क्वेश्चन आपको आंसर करने फ्रॉम प्रीवियस डे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज मिलेक्स 18 ऑर्गेनाइज्ड। तो ये बीमस्टेक की फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आपको बताना है कि कौन सी इंडियन सिटी में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे बताना है इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज विल बी बिल्ट अवर विच रिवर। तो आपको इस रिवर का नाम बताना है कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज होगा, कौन सी नदी पे बनाया जाएगा। एंड साथ साथ दो चीज़ें और भी बतानी, इसका नाम भी बताना है मुझे एंड ये भी बताना है कि कौन सी स्टेट में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इनके आंसर्स बताने मुझे इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। और आप स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज द तेलुगु वर्जन ऑफ बुक एग्जाम वारियर रिसेंटली। तो ये तेलुगु वर्जन रिलीज किया गया एग्जाम बुक का, एग्जाम वारियर। सबसे पहले ये बुक एग्जाम वारियर है क्या, ये बुक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी हुई है। ठीक है, तो इस बुक का अब ये तेलुगु वर्जन रिलीज किया गया, तो आपको ये बताना है कि इसका तेलुगु वर्जन किसने रिलीज किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश जावेदकर, हमारे मिनिस्टर ऑफ MHRD, मिनिस्टर ऑफ वुमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये वहाँ के मिनिस्टर, इन्होंने इस बुक को रिलीज किया। एंड ये एग्जाम वॉरियर बुक किसकी है, इसके बुक को लिखा किसने है, ये लिखा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर बस सर्विस वॉज लॉन्च बिटवीन नेपाल एंड विच इंडियन स्टेट। एक बस सर्विस स्टार्ट की गई नेपाल और कौन से इंडियन स्टेट में, आपको ये इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो 8 बसेज चलाई जाएंगी। ठीक है, 4 बसेज चलाई जाएंगी बोध गया टू काठमांडू एंड 4 बसेज चलाई जाएंगी पटना टू जनकपुर। तो टोटल 8 बसेज चलाई जाएंगी। एंड इसे किसने इनॉग्रेट किया, इसे स्टार्ट किया जी, बिहार के CM नीतीश कुमार ने। ठीक है, एंड बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना। एंड वहाँ की जो राइट नाउ अभी जो गवर्नर हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं चेंज हुए, ठीक है, उनका जो नाम है जी लालजी टंडन। ठीक है, एंड अबाउट नेपाल, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, वहाँ की जो करेंसी है वह नेपाली रूपी एंड वहाँ के जो PM है वो KP Sharma Oli। ठीक है, इतना चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च बाई इंडियन रेलवे फॉर हेल्पिंग क्रिएशन ऑफ एम्यूनिटीज और एट और नियर रेलवे स्टेशन। मतलब एम्यूनिटीज़ हो गया सुविधाएं। ठीक है, तो मतलब एक ऐप लॉन्च की गई जिसकी हेल्प से वहाँ पे देखा जाएगा, सर्वे किया जाएगा कि क्या क्या चीज़ कमी आए, उन सब चीज़ों को पूरा किया जाएगा। ठीक है, इस ऐप का नाम आपको बताना है। तो इस ऐप का जो नाम है वो जी रेल सहयोग। ठीक है, एंड इसे जो हमारे राइट नाउ जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। ठीक है, उन्होंने इसको लॉन्च किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी वॉन वाईफाई लीडरशिप अवार्ड 2018। तो कौन सी कंपनी ने जीत लिया वाईफाई लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है, आपको लग रहा होगा जियो, बट नो, जियो इसका करेक्ट आंसर नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी, एक सेकेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, इसका जो करेक्ट आंसर है इसका आपको लग रहा होगा जियो है, बट जियो नहीं है इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी BSNL। ठीक है, तो BSNL ने ये वाईफाई लीडरशिप अवार्ड जीत लिया। ठीक है, 2018 का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिसेंटली स्टार्टेड वॉस्टॉक 2018 वॉर प्रैक्टिस। तो मैंने आपको कल ये क्वेश्चन शेयर किया था। ठीक है, इसमें अराउंड सबसे बिगेस्ट वॉर प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अराउंड 300,000 सोल्जर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रशिया के एंड उसके बाद चाइना के भी होंगे। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने इसे स्टार्ट किया। तो इसे स्टार्ट किया जी हमारा ऑप्शन नंबर ए, रशिया ने। ठीक है, इसको ये रशिया में होगी। ठीक है, ये रशिया में सबसे बड़ी, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी वॉर प्रैक्टिस होगी। इसमें कम से कम 300,000 तो रशिया के सोल्जर्स हैं, बाकी कंट्रीज़ के भी सोल्जर होंगे। तो इसका नाम आपको याद रखना है वॉस्टॉक 2018। ठीक है, इसको स्टार्ट किया रशिया ने। एंड अबाउट रशिया, वहाँ की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो व्लादिमीर पुतिन एंड वहाँ की जो करेंसी है वो है रूबल। ठीक है, देन विच कंट्री रिसेंटली बिल्ट इट फर्स्ट मिसाइल ट्रैकिंग शिप। तो एक कौन सी कंट्री है जिसने अपनी एक मिसाइल बनाई जो मिसाइल ट्रैकिंग शिप होगी, मतलब मिसाइल को ट्रैक करेगी एक शिप होगी। ठीक है, तो ये बनाई जी हमारी अपनी इंडिया ने। ठीक है, तो ये समुंदर में होगी, मतलब ओशन सर्विलेंस होगा ये। ठीक है, तो ये समुंदर में ही होगी एंड ये ट्रैक किसको करेगी, कोई मिसाइल होगी, रडार टाइप होगा। ठीक है, तो कोई भी अगर कोई आने वाली होगी तो उसको ये ट्रैक करेगी। तो ये किसने बनाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी कम देशों के पास ये ऐसी मिसाइल है जो
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी इंडिया। विच इंडियन एयरपोर्ट इज सेट टू बिकम फर्स्ट इन एशिया टू फेस रिकग्नाइजेशन एज बोर्डिंग पास, मतलब हमारे इंडिया का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट बना जो बोर्डिंग पास की जगह फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये एयरपोर्ट कहाँ पे है? देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जी ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। ठीक है, ये बेंगलुरु में है एंड इस एयरपोर्ट का नाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। मैंने ये हम लिखा है कैंपागोवड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो इस एयरपोर्ट का नाम भी आपको पता याद रखना है एंड साथ में ये भी पता होने की कौन सी जगह पे, ये है जी बेंगलोर में। ठीक है, एंड बेंगलोर के बारे में काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई भी हुई हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेंगलोर फर्स्ट सिटी है जिसने अपना एक ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया, मैंने काफ़ी बार ही बताया, जिसे इसमें इंग्लिश प्लस कन्नड़ में लिखा होगा बेंगलोर, एंड सिलिकॉन सिटी भी बोलते हैं हम उसको, एंड हमारे ISRO के हेडक्वार्टर्स भी बेंगलोर में। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको ये पता होनी होनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्सर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर 2018 अर्जुन अवार्ड, तो 2018 का अर्जुन अवार्ड के लिए कौन से बॉक्सर को नॉमिनेट किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है आई थिंक आपको ये पता ही होगा। ठीक है, ये 15th गोल्ड मेडल जो हमने जीता था एशियन गेम्स में, 15वां लास्ट गोल्ड मेडल इन्होंने ही हमें जिताया था, इनका नाम है अमित पंघाल। ठीक है, तो ये अर्जुन अवार्ड जो दिया जाता है सेकेंड, मतलब जैसे बड़ा अवार्ड होता है ना, सेकेंड नंबर का है जो सबसे बड़ा अवार्ड, एंड ये दिया जाता है जी 29 अगस्त को। ठीक है, जिस नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है तो उस दिन इसे दिया जाता है, बट इस बारी ये दिया नहीं गया बिकॉज इस बारी अभी वहाँ पे नेशनल गेम्स चल रहे थे। ठीक है, नेशनल गेम्स चल रहे थे तो सारे प्लेयर वहाँ थे, तो कैसे दिया जाता, अभी इसे दिया जाएगा। बेसिकली ये दिया 29 अगस्त को ही जाता है। ठीक है, बट इस बारी दिया नहीं गया, बाद में दिया जाएगा। एंड सेकंड ये आ गया अर्जुन अवार्ड है, फर्स्ट कौन है वो है जी, फर्स्ट जो स्पोर्ट्स अवार्ड है वो है खेल रत्न। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन हु विल टेक अवर जैकमा एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि अलीबाबा के जो फाउंडर हैं वो रिज़ाइन कर रहे हैं, जिनका नाम जैकमा है। ठीक है, तो वो रिटायर हो रहे हैं, अब आपको बताने कि उनको ओवरटेक कौन करेगा। ठीक है, हु विल टेक अवर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जी ऑप्शन नंबर सी, डैनियल जैंग। तो इनको अब जो न्यू आएंगे 2019 में जब रिटायर होंगे तो जो न्यू होंगे वो हैं डैनियल जैंग। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये रहे आज के क्वेश्चन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। आज थोड़ा सा लेट हो गया, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, तो आज 10-15 मिनट वीडियो लेट हो गया, अदरवाइज मैं 7:45 पे कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेता हूँ मैं। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं, टू द पॉइंट, जितना हम याद रख सकते हैं और इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं ले रहा हूँ हर वीडियो में। ठीक है, एंड साथ साथ जितना हो सकता है मैं उसको रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहे होंगे एंड ये चैनल वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा, अगर अच्छा लगे इसे शेयर करा करो। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक करना, इसे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो फॉर मोर वीडियोज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।